हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छे रहने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के ऊपर। तो दोस्तों, आधार कार्ड में जो पहले जैसे एड्रेस चेंज करने जो प्रोसेस पहले का होता था, वो दोस्तों वो प्रोसेस अब नहीं होता है दोस्तों। अब जो है न्यू पोर्टल जो है लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों, अब जो है नए तरीके से 2022 में जो है आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करेंगे, वो पूरी डिटेल जो है पूरा प्रोसेस के साथ जो है दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी जो है आपको समझ में आएगी। और दोस्तों, एंड तक देखना। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिलहाल जो है हम आ चुके हैं फ़ोन की होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको जो है अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है गूगल क्रोम ओपन कर देना है। दोस्तों, आप जो है डायरेक्ट जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस ये जो वेबसाइट का जो पेज है इसके जो है मैं वेबसाइट का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको जो है सिंपली उस लिंक पे जो है सिंपली क्लिक कर देना है। उसके दोस्तों आप डायरेक्ट जो है आप इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप पहुंच जाओगे। उसके आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पे जो है लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे जो है आधार कार्ड का जो है अपना जो 12 अंकों का जो नंबर होता है आपको यहाँ पे फीड कर देना है। उसका दोस्तों यहाँ पे कैप्चर कोड और इसका आपको दोस्तों सिंपली सेंड OTP पे जो है क्लिक कर देना है। उसके दोस्तों यहाँ नीचे जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको यहाँ से सिंपली लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों, मैं इस प्रोसेस को जो है फिलहाल पूरा करके आपको जो आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। दोस्तों, सारा कुछ प्रोसेस का पूरा होने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको जो है सिंपली यहाँ पे सेकंड और तीसरा जो थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन अपडेट आधार ऑनलाइन, क्लिक हियर टू अपडेट द नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज डाटा ऑफ यूर आधार, ठीक है। तीसरे वाले ऑप्शन जो है अपडेट आधार ऑनलाइन पे जो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके दोस्तों आपको ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों आप सिंपली नीचे आपको यहाँ से प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको जो है यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। क्लिक आधार करने जो है आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ ऊपर जो है मेरा एड्रेस जो है रियल एड्रेस वो दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों आपको जो एड्रेस यहाँ पे फिट करना है यहाँ पे आपको सारा कुछ फिलअप करना है। जो भी आपको जो न्यू एड्रेस आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड में जो है फिलअप कराना चाहते हो वो आपको जो एड्रेस यहाँ पे सारा कुछ फिल कर देना है। उसके दोस्तों आपको जो है एड्रेस एड्रेस प्रूफ लगाना है। आपको यहाँ पे देख सकते हो आप उसमें जो एड्रेस सर्टिफिकेट बाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होता है, आर्म लाइसेंस हो गया, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक हो गया, बमसा कार्ड हो गया, ESC कार्ड, कैश और काफ़ी सारे यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट, विलेज पंचायत, दोस्तों काफ़ी सारे ये प्रूफ यहाँ पे दे रखे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो गैस कनेक्शन कॉपी हो गया, आईडी कार्ड इशू, ये सारे इनकम पैन कार्ड हो गया, जिस पे भी दोस्तों आपका जो एड्रेस है, जिस एड्रेस को आप आधार कार्ड में जो है फीड कराना चाहते हैं वो एड्रेस पर आपको जो है यहाँ पे सिंपली इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो आपको जो है यहाँ पे मैनुअल अपलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको दोस्तों अपडेट अपलोड कर देना है। उसके दोस्तों आपको यहाँ पे सारा नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपका जो रियल जो प्रूफ था पहले का वो हट के दोस्तों जो नया प्रूफ जो नया एड्रेस होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों सारा कुछ सही होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखो प्रीव्यू लिखा हुआ है, तीन ऑप्शन बनेगा, एड्रेस, प्रीव्यू एंड पेमेंट। लास्ट में दोस्तों आपको जो है पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाता हूँ। तो इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपके सामने शो ऑफ कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे आपने जो है अगर आपने जैसे एड्रेस जो न्यू एड्रेस आपने इसमें फीड किया वो एड्रेस आपके सामने ऊपर साफ तब लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे न्यू एड्रेस एंड नया पता हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। सारा कुछ जो है आपके सामने शो ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों ये न्यू एड्रेस जो आपने फीड किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको जो है इसमें कुछ एडिट करना हो तो एडिट वाले अपडेटेड एड्रेस पे क्लिक कर सकते हो। उसके दोस्तों ये इन दोनों जो है जो टिक मार के दोनों पे जो है आपको टिक कर देना है। उसके दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ डियर रेजिडेंट यू विल बी चार्ज एंड 50 रुपीज टू प्रोसेस द ऑनलाइन अपडेट। दोस्तों आपको यहाँ पे जो है 50 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ टिक करना है, मेक पेमेंट दोस्तों क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों मेक पेमेंट क्लिक करने में दोस्तों आपके सामने अभी कुछ जो है इंटरफेस आप डायरेक्ट जो है वो आपको जो है डायरेक्ट रिडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट के वहाँ पे, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ से किसके थ्रू देखो जिसके थ्रू आप जो है कंफर्टेबल लगता है, जैसे कार्ड, डेबिट कार्ड से हो गया, वॉलेट हो गया, पेटीएम वगैरह, नेट बैंकिंग हो गया, पेटीएम, जिसके थ्रू आप दोस्तों पेमेंट करना चाहोगे तो उसके हिसाब से जो आप पेमेंट कर सकते हो। बस दोस्तों आपने जो है सिंपली ये प्रोसेस पूरा करना है। उसके दोस्तों आपको जो है बाई पोस्ट जो है आपके पास आधार कार्ड आ जाएगा। और दोस्तों आप जो है जैसे नॉर्मल डाउनलोड मारते हैं आपको ऐसे भी डाउनलोड करके
उसको प्रिंटेड करा सकते हो। तो दोस्तों आई होप जो है आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप जो है मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।